ये नहीं हो सकता कि कश्मीरियों पे जुल्म हो तो पाकिस्तान की कौम खामोश तमाशाई बनी रहेगी। सो रेलवे की हैसियत से आज समझौता एक्सप्रेस को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। हफ्ते में दो दिन हम चलाते थे सोमवार और जुमेरात को सुबह 8 बजे। जिन लोगों की टिकटों के पैसे हैं उससे कोई नहीं काटेंगे, पूरे के पूरे पैसे आके लाहौर DS ऑफिस से वसूल कर लें। आज दिन में कुछ पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने इशू रेज किए थे कि इसमें कुछ सिक्योरिटी इशूज हैं विद रिगार्ड टू क्रू एंड गार्ड ऑफ द ट्रेन। वी हैव टोल्ड देम दैट सिचुएशन दिस साइड इज परफेक्टली नॉर्मल, यहाँ ऐसा कोई इशू नहीं है। हमने उनको बोला है कि इन केस ऐसा कोई इशू है तो हम अपनी तरफ से क्रू एंड गार्ड भेज देते हैं। हमारा इंजन ऑलरेडी वहाँ पे यहाँ से अटारी से चला गया है, वो ट्रेन हम वाघा से अटारी लेके आएंगे और उसके बाद इस साइड में भी करीब 70 पैसेंजर हैं जो वेट कर रहे हैं, जो उसमें जाएंगे। और इसलिए ये कहना कि ये समझौता एक्सप्रेस कैंसल्ड है, ये सच नहीं। एक्चुअली उनके ड्राइवर और गार्ड ने इंडिया आने से रिफ्यूज किया है, इस कारण से उन्होंने मैसेज दिया कि आप अपने इंडियन क्रू गार्ड के साथ इंजन भेजें, वो समझौता लेके जाएगी। जा रहे हैं पाकिस्तान, जा रहे हैं गाड़ी लेने। क्या हुआ, उन्होंने रिफ्यूज किया कि? हाँ हाँ। तो आज ट्रेन लेने जा रहे हैं, समझौता आएगी? हाँ। कितना स्टाफ जा रहा है ट्रेन लेने के लिए? 3 स्टाफ। आपका नाम क्या? उमा शंकर यादव। हाँ हाँ।